हेलो ऑल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके साथ एक अनोखा वीडियो लेके आई हूँ। यूनिक टॉपिक है पर बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। हेयर ऑयल जो सभी करते हैं पर कहीं ना कहीं वो 10 मिस्टेक करते हैं, वो डीपली आपको मैं समझाने वाली हूँ ये वीडियो में कि आप जब ऑयलिंग करते हैं तो कौन सी 10 बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही मजेदार वीडियो है, यूजफुल वीडियो है। मेरे वीडियो में बने रहना, साथ ही अगर अच्छा लगे लाइक करना, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए अगर पसंद आए तो। और शुरुआत करने से पहले नए सब्सक्राइबर को बता दूं, अगर आपको ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी टिप्स हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे और साथ ही वो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। आपको हमेशा ऐसे अच्छे यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि पौधे को कैसे पानी की जरूरत रहती है, बिना पानी वो सूखा हो जाता है और जब भी पानी मिलता है तो उसकी जड़ें भी मजबूत होती है, वैसे ही सेम हमारे बाल है। बाल को भी नरिश रखना, अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो टाइम टू टाइम ऑयलिंग करेंगे तो वो मजबूत रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे हमको क्या करना है, आपको बाल जब भी आप ऑयलिंग करते हैं उसके पहले आपके बालों को आपको कॉम करना है, आपके बालों को कंघी से बराबर सेट करना है। इससे क्या होगा, कभी क्या होता है हमारे बालों में नोड़ हो जाती है, गांठे होती है, तो अगर आप उसके पहले ही मसाज स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो उंगलियों में आपकी गांठे फंस सकती है और कहीं ना कहीं बाल टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग एक मिस्टेक करते हैं, जब भी मसाज करते हैं तो बहुत हैवीली प्रेशर देके मसाज करते हैं, उन्हें लगता है ऐसा करने से हमारे बालों में अंदर तक ऑयल जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही गलत तरीका है, बल्कि आप आपके बालों को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर सही तरीका बोलूं तो सही तरीका बाल मसाज करने का क्या है, आपको जेंटली करना है, धीरे से स्लोली करना है, सर्कुलर मोशन में, ताकि आपके बालों को अच्छे से तेल वहां पे जड़ वो पहुंचे और आप रिलैक्स हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भी आप ऑयलिंग करते हैं तो जो ऑयल इस्तेमाल में लेते हैं उसको आपको गर्म करना है। अभी गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप उसको स्टोव में रख देंगे, ऐसा करेंगे तो वो जल जाएगा, राइट। आपको क्या करना है, डबल बॉयलर टेक्निक का इस्तेमाल करना है। उसमें आपको एक बर्तन में पानी लेना है, उसको अच्छा खासा उबाल आए तब तक गर्म करना है, फिर आपका जो बाउल है ऑयलिंग का उसको उसके अंदर रखना है और 20 सेकेंड तक अराउंड रखना है, वो वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद आपको निकाल के उसको आपके बालों में अभी लगाना है। अगर आपको चाहिए कि जब आप बालों को ऑयलिंग कर रहे हैं उसको आपका मैक्सिमम बेनिफिट मिले तो आपको क्या करना है, जब ये ऑयलिंग करते हैं तो भी आपको उसको लगाने के लिए आपको कॉटन का इस्तेमाल करना है। यूजुअली आप क्या करते हैं, जब भी आप बालों में तेल लगाते हैं हाथों पे लेके डायरेक्टली आपके स्कैल्प में बालों में लगा लेते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो छूट जाता है जड़े में जहाँ पे तेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप पर उसको कॉटन से लगाएंगे तो उसकी रूट्स तक वो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बालों को अंदर तक जड़ों तक ऑयलिंग जाएगी और वो आपके बालों को मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर टेक्निक की बात बताओ ऑयलिंग करने की, तो उसमें क्या है, जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आपको उसको कम से कम 15 मिनट तो रखना है। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, 15 मिनट भी रखेंगे तो उससे भी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, पर आपको मैक्सिमम अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, रात को एक दिन पहले ही रात को उसको लगा के सो जाना है और सुबह फिर शैम्पूइंग कर दीजिए। ये बेस्ट टेक्निक है ऑयलिंग का, जिससे आपको मैक्सिमम असरकारक रिजल्ट मिलेगा। शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा तो उनको मैं आज बता दूं, कभी भी आपको गीले बालों में हेयर ऑयल नहीं लगाना है, हेयर ऑयल नहीं करना है। इससे क्या होगा, जब भी हमारे गीले बाल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जड़ें हैं ना वो कमजोर होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें अगर आप ऑयलिंग करेंगे मसाज करेंगे तो आपके बाल टूट सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए कभी भी गीले बालों में हेयर ऑयल ना लगाएं, उसको सूखने दें फिर ही ऑयलिंग करें। दूसरा वन ऑफ द मिथ क्या है, आपको लगेगा कि ज्यादा आप ऑयलिंग करेंगे तो आपको उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, आपके हेयर फॉल होना बंद हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत टेक्निक है। आपको जो नॉर्मल आपकी बालों को रिक्वायर है उतना ही ऑयल लेना है और उसे मसाज करना है। अगर आप ज्यादा ऑयलिंग करेंगे तो जब आप बाल को धोने बैठेंगे तो आपको ज्यादा शैम्पूइंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारा शैम्पू तो केमिकल वाला ही होता है और बाद में आपके बाल रफ हो सकते हैं। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप ऑयल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारी गर्ल्स के लिए, खासकर जब भी हम बालों को ऑयलिंग करते हैं तो ज्यादातर सब क्या करते हैं, ऑयलिंग करने के बाद अपने बाल एकदम टाइटली बांध लेते हैं, पर ये बहुत ही गलत है, इससे आपको हेयरफॉल हो सकता है।
क्योंकि जब हम मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो हमारे रूट्स कमजोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक हो जाते हैं। इसलिए उसमें अगर आप टाइटली आपके बाल बांध लेगी तो कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा। तो इसलिए आप नॉर्मल तरीके से बांध दें ताकि आपको हेयर फॉल ना हो और आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है कि आपको बालों के लिए भी आपकी ऑयलिंग देखना है, आपके बालों के हिसाब से आपको ऑयल को चूज करना है। जी हाँ, ज्यादातर तो कोकोनट ऑयल सब बालों के लिए सूटेबल रहते हैं और कोकोनट ऑयल से हमारे बाल सिल्की होते हैं। पर अगर समझो किसी को डैंड्रफ की ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है ना, वो भी कोकोनट ऑयल की तरह ही है। उसमें एक अच्छी मात्रा में मॉइस्चराइजर का फैक्टर होता है जिससे हमारे बाल नरिश्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और ज्यादातर विंटर सीजन में, ठंडी की सीजन में क्या होता है, हमारे बाल रफ हो जाते हैं, तभी आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, जब भी आप ऑयलिंग करते हैं, बालों में तेल लगाते हैं या फिर ऐसे ही यूजुअली भी आप बाल धोते हैं, तभी आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप बाल को धोते हैं तो आप वार्म वाटर ले सकते हैं या फिर ज्यादा हो सके तो नॉर्मल ठंडा पानी इस्तेमाल में ले। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें ही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम ऑयलिंग करते हैं, जिसमें खास ध्यान रखना है क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ताकि उसके हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले और हमारे बालों को कोई भी प्रकार की हानि ना हो। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर कर दे सबके साथ। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं मेरे ऐसे ही अच्छे नए वीडियो में। बाय।